उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक चुनावी कार्यक्रम के दौरान राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कांग्रेस पर जमकर बरसे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को कहा, कांग्रेस अल्पसंख्यकों को गौमांस खाने का अधिकार देना चाहती है और ये गौ हत्या की अनुमति देने के समान है। न्यूज एजेंसी के मुताबिक उन्होंने कहा, ये बेशर्म लोग गौमांस खाने का अधिकार देने का वादा करते हैं जबकि हमारे ग्रंथों में गाय को माता कहते हैं। वे गायों को कसाई के हाथों में सौंपना चाहते हैं। क्या भारत इसे कभी स्वीकार करेगा? मुख्यमंत्री ने कहा कि वे अल्पसंख्यकों को उनकी पसंद का खाना खाने की आजादी देना चाहते हैं, मतलब वो गौ हत्या की अनुमति देने की बात कर रहे हैं। आदित्यनाथ संभल लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार परमेश्वर लाल सैनी के समर्थन में बिलारी में एक चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हालिया भाषणों को दोहराते हुए सीएम ने आरोप लगाया कि कांग्रेस श्रीधन को जब्त करने और इसे रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों के बीच वितरित करने का इरादा रखती है। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में लोगों की संपत्ति के एक्सरे की बात कही है। उन्होंने कहा, इसका मतलब ये है कि अगर किसी के घर में चार कमरे हैं तो वे उनमें से दो कमरे छीन लेंगे। इतना ही नहीं, कांग्रेस महिलाओं के आभूषणों पर कब्जा कर लेगी, देश इसे कभी स्वीकार नहीं करेगा। सीएम ने कहा कि उन्होंने यूपीए सरकार के तहत 2004 से 2014 तक ऐसे प्रयास किए थे। उन्होंने कर्नाटक में एससी एसटी और ओबीसी को दिए गए आरक्षण में से मुसलमानों को कोटा देने की कोशिश की थी। यूपी के सीएम ने आरोप लगाया कि उन्होंने सच्चर समिति की सिफारिशों का जिक्र किया और कहा कि कांग्रेस एससी एसटी और ओबीसी के कोटे में से उन्हें 6% आरक्षण देकर इसे लागू करना चाहती थी। सीएम योगी ने कांग्रेस पर दोहरे मापदंड का आरोप लगाते हुए दावा किया कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। यूपी के मुख्यमंत्री ने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस देश को और विभाजित करने की साजिश रच रही है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में दो बातें और कही है, विरासत टैक्स के साथ साथ उन्होंने एक बात और कही है। उन्होंने कहा है, अल्पसंख्यकों को उनकी पसंद की खाने की स्वतंत्रता देंगे, यानी वह गौकसी कराने का खुली छूट देंगे। क्या आप गौकसी को छूट देंगे क्या? अरे इन बेशरम लोगों को देखो ना, भारत की आस्था के साथ कैसे खिलवाड़ कर रहे हैं। कह रहे हैं उनको खुली छूट देंगे। अरे कैसे हो सकता है, जिस गाय को हम माता मानते हैं, जिसको हमारा शास्त्र कहता है कि गाओ विश्वस्य मातरः, उस गौ माता को एक काटने के लिए देंगे कसाईयों को? क्या हिंदुस्तान इसको स्वीकार कर पाएगा क्या? और मैंने सुना है कि भाई और बहन दोनों अयोध्या दर्शन करने के लिए जाना चाहते हैं। जब इनकी सरकार थी तब कहते थे कि राम तो हुए ही नहीं। क्या कहते थे? राम हुए ही नहीं। और जब देश की जनता जनार्दन के संघर्ष के फलस्वरूप माननीय उच्चतम न्यायालय के फैसले के क्रम में मोदी जी के प्रयास से आपके एक एक वोट की कीमत ने अयोध्या में रामलला को फिर से विराजमान कर दिया है और मंदिर भव्य बन गया है, अब कहते हैं राम तो सबके हैं।